Hello everyone, welcome to the next session. This is the next poem for the chapter The Summit Within. I will explain in the next session together so that all the parts you get together. Okay, so right now I am having this the poem The Schoolboy. Last week did which one we did? We had done the last bargain. Okay, so now we are having The Schoolboy. It is very interesting poem. As you know, आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि आपको बार बार अच्छा नहीं लगता कि हाँ मम्मी आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दें कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, वो मत पियो और सिर्फ यही खाओ और इससे बात करो, उससे नहीं करो. ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में होती है. एक्चुअली दीज आर फॉर आवर बेटरमेंट ओनली. हमारे अच्छे के लिए ही है. हमारे पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं क्योंकि छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है ना उनसे ही हमारा जो हमारा पूरा फॉर्म है वो क्रिएट होता है. वही हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमें आगे जाकर ठीक करती है कि हम कोई गलत काम ना करें. ओके, सो ये पोएम भी ऐसी ही है. लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता ना. पेरेंट्स तो बोलते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वो हमें करते हैं. लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता है. क्यों मम्मी बार बार हमको गाइड करती रहती है, क्यों पापा बार बार बोलते रहते हैं. सो ये पोएम भी आपकी फीलिंग्स पे ही है. सो आपको अच्छी भी लगेगी. द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. एक्चुअल में जो स्कूल बॉय है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. वॉट मेक हिम अनहैप्पी. क्या चीज है जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है. Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? वो खुद को कंपेयर करता है एक ऐसे बर्ड से जो कि एक केज में रहता है. और a plant that withers when it should blossom. और एक ऐसे प्लांट से कंपेयर करता है जो कि मुरझाया हुआ है. जिस समय उसको ब्लॉसम होना चाहिए, खिलना चाहिए, उस समय वो मुरझाया हुआ है. तो उससे वो कंपेयर कर रहा है खुद को. ठीक है, वो क्यों कर रहा है वो हमें अभी हम रीड करके फाइंड आउट करते हैं. ओके, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. मैं समर की मॉर्निंग में उठना चाहता हूँ, राइज होना चाहता हूँ, एक्टिव होना चाहता हूँ. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. जबकि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बाहर हर एक ट्री पर बर्ड्स जो है सिंगिंग कर रहे हैं. कितना अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी उनकी तरह ही खिलना है, एक्टिव होना है, सिंगिंग करनी है, खुश रहना है. द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न. लेकिन जैसे ही जैसे ट्री पर बर्ड सिंगिंग कर रहे हैं, बहुत दूरी से एक कोई शिकारी जो है वो अपने आने की सूचना देता है. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी फॉर व्हाट स्वीट कंपनी. और ऐसा लगता है कि सारे बहुत ही अच्छी कंपनी है. अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, बहुत अच्छे हैं सब मेरे साथ और मैं भी उनकी तरह खिलना चाह रहा हूँ, सिंगिंग करना चाह रहा हूँ. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न. लेकिन वो फिर अपना दुख बताता है कि समर में उठकर मॉर्निंग में उठकर स्कूल जाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. इसकी वजह से कि पूरे की पूरी जो खुशी है, जो फन है, जो एंथुसिएज्म था वो खत्म हो जाता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट वन. क्योंकि हमारे ऊपर किसी की एक शार्प नजर है, एक तेज नजर है हमारे ऊपर. द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. हम जैसे छोटे बच्चे जिस समय उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उस समय हम आहें भरते हुए और दुख में अपना समय बिताते हैं. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं दुख में ही बैठा हुआ हूँ और बहुत सारे घंटे मैं ऐसे ही बिता देता हूँ क्योंकि मुझे किसी तरह की कोई खुशी नहीं है. Nor in my book can I take delight
ना तो मुझे अपनी बुक को देखकर किसी तरह की खुशी होती है, नॉट सिट इन लर्निंग बाउंड, और ना ही मुझे जो हमारे टीचर हमको ज्ञान की बौछार मिले कर रहे, ना ही मुझे वो पसंद है। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, मैं एक्चुअल में वो जो हमारे ऊपर ज्ञान की बौछार कर रहे हैं मैं उससे थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जैसे बहुत बार आप लोगों को भी टीचर्स की जो भी है सिर्फ लेक्चर्स लगते हैं कि वो तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे ही वो चाइल्ड जो है अपना दुख बता रहा है जो एक्चुअल में दुख नहीं है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है अब एक बर्ड से और बोल रहा है कि कैसे एक बर्ड जो कि जन्म ही खुश होने के लिए जिसने लिया है वो कैसे एक पिंजरे में कैद होकर सिंगिंग कर सकता है। वो बोलते हैं ना कि भले पिंजरा सोने का हो लेकिन कैद होना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को भी कैद होना पसंद नहीं, सबको खुले आसमान में उड़ना है, एंजॉय करनी है लाइफ। ओके, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज ब्यूटीफुल स्प्रिंग, कैसे एक बच्चा जो कि अब अपने आसपास के वातावरण से डर रहा है जब खेलने का समय है उसका, जब अपने पंख खोलने का और पंख उसके साथ उड़ने का समय है, उस बेचारे को अपना यूथ जो है भूलना पड़ता है और दुख में रहना पड़ता है और सबकी नजरों में रहना पड़ता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप, अब वो अपने फादर एंड मदर को बोलता है कि अगर कलियों को बर्ड्स को खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, और उनको खिलने नहीं दिया जाएगा, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और उन प्लांट्स को जो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं जो सैपलिंग्स हैं, ठीक है, उनको तोड़ दिया जाएगा ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंग में जब उनके खिलने का समय है उस समय उनको उनकी खुशी से दूर कर दिया जाएगा, बाय सॉरो एंड केयर्स इसमें दुख से उनको भर दिया जाएगा, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो जो समर सीजन है वो कैसे जॉय में कन्वर्ट होगा, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और समर फ्रूट्स कैसे दिखाई देंगे, मतलब कि वो अपने दुख बता रहे हैं कि अगर हमें पूरी तरह से आजादी नहीं दी जाएगी, हमें अपने आप को व्यक्त करने का समय नहीं दिया जाएगा और हम पर जबरदस्ती चीजें थोपी जाएंगी तो हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे आपको आगे से फ्रूट्स देंगे आपकी मेहनत का। ओके, सो विलियम ब्लेक इज द पोएट ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोएम। Now see, you can also write some points जिसमें आपको मालूम पड़ता है कि हाँ क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले the boy wants to sing like bird. Okay. Second, he feels annoyed. उसे गुस्सा कब आता है? While he has to attend the school in summer. Okay, then third is he doesn't enjoy, he doesn't enjoy his books
doesn't find his teachers knowledge interesting. He compares himself with a bird in cage. वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? ऐसे बर्ड से जो केज में कैद है. ओके ना, बंद है. He appeals his parents. फ्यूचर को अच्छे से एंजॉय कर सके, प्रेजेंट को भी. विलियम ब्ले. ओके, सो इट वॉज दिस मच ओनली. नाउ वी कैन ऑल्सो सी वट इज देयर इन द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. देयर आर द ग्लॉसरी, तो यू कैन सी देयर ग्लॉसरी मीनिंग्स आर देयर. Then find three or four words or phrases in first tense that reflect the child's happiness and joy. कौन कौन से words हैं? जैसे Skylark sings with me, love to rise, ये सब words हैं जो उसकी happiness को show करते हैं, joy को. In second tense the mood changes. Which words or phrases reflect the changes mood? Drives all joy away. Okay. Cruel eye out one. ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो साइन एंड डिस्मे, जिनसे पता चलता है कि उसका मूड चेंज हो गया है. A cruel eye out one. The classroom which is shabby or noisy means ये three options are there and you can find out by this, by yourself this much. Okay. Nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of the lines above? See, all three are very easy and optional. So MCQs, so you can find. Okay, read the following poem. Next page. Read the following poem and compare it with the schoolboy. When I was young, I went to school with pencil and foot rule, sponge and slate, and sat on a tall stool at learning's gate. When I was older, the gate swung wide. Clever and keen eye in eye press, but form in the mind's pride, no peace, no rest. मतलब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ये स्कूल बॉय से, जैसे उसको भी अच्छा नहीं लग रहा स्कूल में जाके टीचर के नॉलेज को गेन करना, तो इधर भी ऐसे ही शो किया गया है. एंड दिस इज रिटन बाय आर एस थॉमस. देन हु वाज इट टॉट मी बैक टू गो टू कैटल एंड बैरो फील्ड एंड क्लब टू की टू द वन फोर एस आई डू नाउ. मतलब यहाँ पर भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि क्या करना है, कैसे करना है. इधर भी ऐसी है कि उसको उसके पेरेंट्स बार बार बता रहे हैं कि क्या करना है या स्कूल जाकर क्या करना है, जिससे उसको ऐसा फील होता है कि उसको स्लेव बना दिया गया है. ओके, सो इट वॉज दैट मच ओनली. यू कैन ऑल्सो हैव ऑल दीज पॉइंट्स एंड थ्रू दीज पॉइंट्स यू कैन नो द समरी. Okay, that's it.